कप्तानी में टीम इंडिया को वनडे और टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर कई अटकलें चलती रहती हैं। अब पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने धोनी के रिटायरमेंट को लेकर शनिवार को खुलासा किया। मांजरेकर ने कहा कि धोनी ने उनसे कहा था कि जब तक वो टीम में सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी को पछाड़ते रहेंगे तब तक वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फिट समझेंगे। मशहूर कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने कहा कि दो बार के विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान के साथ उनकी 2017 में भारतीय कप्तान विराट कोहली की शादी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर चर्चा हुई थी। मांजरेकर ने कहा, विराट की शादी के दौरान मैंने उनसे थोड़ी बात की थी और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं टीम में सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी को हराता रहूंगा तब तक मैं खुद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का या उच्च स्तर के खिलाड़ी में खेलने के लिए फिट समझूंगा। सूत्रों की माने तो तेंदुलकर और धोनी जैसे लोग चैंपियन क्रिकेटर हैं। एक बार वो सार्वजनिक मंच पर पहुंच जाते हैं तो आप कभी भी धोनी को सार्वजनिक मंच जैसे क्रिकेट के मैदान पर थोड़ा सा भी अनफिट नहीं देखेंगे या वो भाग नहीं पा रहा ऐसा नहीं देखोगे। धोनी का प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में अंतिम मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में रहा था। धोनी ने रांची में अभ्यास करना भी शुरू कर दिया था। वो इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने जिनका आयोजन 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में होगा। मांजरेकर ने कहा, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में आईपीएल में उनके इतने सफल और निरंतर होने का एक कारण ये भी है कि बतौर बल्लेबाज वो जानते हैं कि केवल 4 से 5 गेंदबाज ही है जिनके खिलाफ सतर्क होकर खेलना होगा। वहीं आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा, आईपीएल में कुछ अच्छे गेंदबाज होते हैं और कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास 5 बेहतरीन गेंदबाज होते हैं तो वो इनमें से चुनकर उनके खिलाफ आक्रामक खेल में काफी अच्छे हैं। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।